हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम स्टूडियो में आरटीपी कॉन्स्टेबल के फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपका अपना फिजिकल कैसे क्वालिफाइड करना है और दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाने हैं, हम सारे डिस्कस फ्रेंड्स वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे फोटो वहाँ पे ले रखी है दोस्तों, ठीक है। मैं वहाँ पे गया हुआ था तो मैंने वहाँ पे ये पिक क्लिक करी थी। फिर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक होएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपके पास। दोस्तों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके पास फ्रेंड सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, उसकी कॉपी हो या ना हो लेकिन आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम, आपके पास प्रिंट आउट होगा उसका, उसकी आपकी दो कॉपी आपको उसकी चाहिए। अगर किसी के पास ना हो दोस्तों, वो शॉप से जाके निकलवा लें, ठीक है, क्योंकि आप बेवजह फिर वहाँ पे जाके परेशान हो गए। और मैंने चाहता कोई भाई परेशान हो, ठीक है। आप उसकी दो कॉपी निकलवा लें फ्रेंड्स। और जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसकी दो कॉपी चाहिए आपको, ठीक है, दोनों दो कॉपी एडमिट कार्ड की, दो कॉपी प्रिंट आउट फॉर्म की, ठीक है, और एक आपका आधार कार्ड। दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई मतलब वीडियो कह रहे हैं कि आपको सब डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, 10+2 की मार्कशीट लेके जानी, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ओनली आधार कार्ड, आपका जो भी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है और आपका एडमिट कार्ड, इनकी दो दो कॉपी दोस्तों आपको ये सब लेके जाना हो। अदरवाइज आपको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी लेके नहीं जाना। फ्रेंड्स, अगली बात फोटो की, दोस्तों फोटो भी आपको एक भी फोटो लेके नहीं जाना। आपका फोटो वहाँ पे कहीं भी नहीं मांगा जाएगा फ्रेंड्स, आपको ना तो कोई फोटो चाहिए, ठीक है। आपको ओनली जो मैंने आपको तीन तीन चीज़ें बताई हैं, आधार कार्ड, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और दोस्तों आपका एडमिट कार्ड की दो कॉपी, प्रिंट एप्लीकेशन के फॉर्म की दो कॉपी, आपको ये सब चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड, इतना सब आपके पास होगा तो आपके अंदर एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड, एंट्री होने के बाद दोस्तों आपको अंदर बैठा लिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको दिखा देता हूँ फोटो में। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके फिर आपके अंदर बैग रखवा ले जाएंगे, ठीक है, आपको बैठा लिया जाएगा दोस्तों। बाद में आपको थोड़ी सी आगे ले जाके, कम से कम आपको ये मान लो आधे घंटे वहाँ पे बैठा के रखेंगे वो, ठीक है। आधा घंटा बैठने के बाद दोस्तों आपके अंदर एंट्री हो जाएगी। फिर और अंदर मतलब वहाँ पे ग्राउंड काफ़ी लंबा, मतलब उनका ग्राउंड काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। आपके अंदर एंट्री हो जाएगी उनके ग्राउंड में। तो फ्रेंड्स, आपके जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है आपका, ठीक है, उसको वेरीफाइड करेंगे अंदर जाके वो। फिर दोस्तों बाद में आपके पैरों में चिप बांधी जाएगी। चिप आपको पता होगा दोस्तों, जो मतलब एक चिप होती है, ठीक है, आपको दोनों पैरों में बांधनी है अच्छे से वो टाइट करके, ठीक है, टाइट करके दोस्तों। चिप बांधने के बाद फ्रेंड्स आपको ग्राउंड में लिया जाए। और फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, आपको वहाँ पे रेस करने के लिए ये मत सोचिए कि आपको ट्रैक मिलेगा या फिर रोड मिलेगा, इस पर डिपेंडेंट मत होइए दोस्तों। आपके पास कुछ भी हो मतलब वहाँ पे आपको रोड पे भगा दिया जाएगा, शायद आपको ट्रैक भी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। और आपको बता दूँ मैं फ्रेंड्स, वहाँ पे आप रेस में नहीं रहोगे। तकरीबन बच्चे रेस कर जाते हैं इसमें, आपको इसमें रेस के कम से कम 7.5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा वहाँ पे, 7 मिनट 30 सेकंड। तो ये मान लो कि 50 में आपको, हाँ दोस्तों आपको बता दूँ मैं, वहाँ पे आपका 50 का बैच बनेगा, 50 बच्चे आपके एक बैच में भागेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, वहाँ पे आप मतलब रेस में नहीं रहोगे, ज़्यादातर बच्चे रेस में नहीं रहते वहाँ पे, वहाँ पे रहते फ्रेंड्स ऊंची कूद में और लंबी जंप में, मतलब लॉन्ग जंप पे दोस्तों, और हाई जंप में। तकरीबन दोस्तों रह रहे हैं उसमें हाई जंप में। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी हाई जंप की नहीं है यार, तो प्लीज़ आप तैयारी करें हाई जंप की, ठीक है, अच्छे से आप हाई जंप की तैयारी करें। और फ्रेंड्स, रेस की भी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों रेस में एक दो बच्चे रहता है लेकिन ज़्यादातर रहते हैं हाई जंप में, ठीक है। आप हाई जंप की तैयारी करें आराम से, ठीक है, लंबी कूद भी बहुत कर जाते हैं यार, लेकिन हाई जंप में बच्चे रह जाते हैं, तो आपको हाई जंप की तैयारी करनी है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपकी जब रेस होने के बाद दोस्तों आपका फिर हाई जंप होएगा, ठीक है, फिर आपका हाई जंप के बाद फिर आपका लॉन्ग जंप होएगा। पहले आपका हाई जंप होएगा, फिर आपका लॉन्ग जंप होएगा। लॉन्ग जंप होने के बाद दोस्तों आपको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। फिर क्वालिफाइड होने के बाद दोस्तों आपकी लास्ट में दोस्तों आपकी चेस्ट मापी जाएगी, ठीक है। चेस्ट जो आपकी होनी चाहिए दोस्तों 80 से 85 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और जो फ्रेंड्स आपकी वहाँ पे चेस्ट मापी जा रही है, वो भी आपकी कंप्यूटराइज मापी जा रही है, ना कि ओनली नॉर्मली मापी जा रही है। कंप्यूटराइज से दोस्तों आपकी इसमें चेस्ट मतलब चेस्ट आपकी नापी जा रही है कंप्यूटराइज से, ठीक है। और जो आपकी फ्रेंड्स हाइट है, हाइट भी दोस्तों आपकी पूरी की पूरी हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी 1% भी हाइट कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अपनी हाइट को आप आराम से जांच लें घर पे ही, और फ्रेंड्स आपकी चेस्ट को भी आप आराम से देख लें। और फ्रेंड्स, चेस्ट को भी फ्रेंड्स ये मान लें कि ज़्यादा वहाँ पे चेस्ट को ज़्यादा नहीं मांग रहे, ठीक है। तकरीबन बच्चे चेस्ट में भी नहीं निकल रहे हैं वहाँ पे निकल रहे फ्रेंड्स हाइट में, ठीक है। आपकी चेस्ट वहाँ पे मान लो कि अगर आपकी 78 है ना, तो आपकी वहाँ पे 80+ जाएगी कम से कम, मैं कह रहा हूँ दोस्तों। आप अगर आपकी 78 चेस्ट है ना, आपकी आपकी वहाँ पे आपकी कम से कम 80 जाएगी फ्रेंड। लेकिन आपकी हाइट जो है, हाइट वहाँ पे बहुत सीरियसली ले रहे हैं हाइट को। आपकी हाइट मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए यार, मतलब कि पूरी पूरी 170 में आपकी हाइट मांगी गई है, ठीक है। चेस्ट आपकी 80 से 85 मांगी गई है। इतना सब होने के बाद दोस्तों, हाइट चेस्ट होने के बाद आपको फिर बैठा लिया जाएगा फ्रेंड्स। फिर आपके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा फ्रेंड्स, जो आपका एडमिट कार्ड होगा दोस्तों, उसके ऊपर एक मोहर लग के आएगी, वो आपको दे देंगे, ठीक है, कि आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। वो क्वालिफाइड होने के बाद दोस्तों आपको सेंटर से बाहर आ जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना सा प्रोसेस है दोस्तों, ये सब
जो मैंने आपको अब फ्रेंड्स अभी बताया, आपका ये सब होना है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपका फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। आपका जितना भी रेस है, कितना भी हाई जंप है, हाई जंप दोस्तों आपका कम से कम मान लो कि 3.5 फुट आपका हाई जंप होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए 11 फुट, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया नहीं है शायद, मैं आपको अभी बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आपका जो लॉन्ग जंप है वो होना चाहिए 11 फीट, जो आपका हाई जंप है वो होना चाहिए आपका कम से कम 3.5 फीट। इतना अगर आप कर पाते हो दोस्तों तो आपका फिजिकल फिटनेस 100% हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मैं अभी बता रहा हूँ यार, और फ्रेंड्स वहाँ पे ज़्यादातर रह रहे हैं हाई जंप में, लॉन्ग जंप तो यार दुनिया कर जाती है यार, लेकिन रहते हैं वहाँ पे हाई जंप पे रहते हैं, क्योंकि ऊंची कूद में दोस्तों वो नहीं हो रही है वहाँ पे लोगों से। एक ग्रुप में कम से कम 50 में से 10 बच्चे लॉन्ग मतलब हाई जंप पे निकल जाते हैं यार। तो आप प्लीज़ हाई जंप की तैयारी करें अपने अच्छे से, ठीक है। लॉन्ग जंप भी हो जाता है, हाई जंप नहीं होता दोस्तों, लेकिन आपकी रेस भी क्लियर हो जाएगी वहाँ पे। तो यार आप जितना जोर दे सको दोस्तों आप हाई जंप पे देना, क्योंकि ऊंची कूद दोस्तों बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। इतना सा प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में जो आपके फिजिकल होते हैं दोस्तों, डिफेंस की जब तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत अच्छी बेहतरीन वीडियो फिजिकल से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाता ही रहता हूँ। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड मुझे कोई भी न्यूज़ चाहिए और आपको किसी बात पर डाउट लगे आप मुझे कॉमेंट करें फ्रेंड्स, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।